मुंबई से सटे पालघर में डबल मर्डर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पालघर जिले के तारापुर में एक साइको किलर ने एक नहीं बल्कि दो बुजुर्गों पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। जब तक ये बुजुर्ग कुछ समझ पाते, कातिल ने दोनों की गर्दन तन से जुदा कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक मानसिक रोगी हो सकता है। वहीं पालघर के तारापुर में इस निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आने से इलाके में खौफ का माहौल है। साइको किलर ने दोनों ही बुजुर्गों की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर धड़ और गर्दन अलग कर दिए है। हैरानी की बात यह है कि कत्ल के बाद आरोपी युवक काफी देर तक लाश के पास ही बैठा रहा। गांव में जब शोर शराबा हुआ तो आरोपी घबरा गया। दोनों कत्ल करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। हत्या करने के बाद आरोपी तालाब के कीचड़ में छुपकर बैठा हुआ था। इस दोहरे हत्याकांड की खबर जिला पुलिस व आला अधिकारियों को मिलते ही तुरंत पुलिस अधीक्षक बाला साहेब व पुलिस उप अधीक्षक पंकज सिरसाठ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेते हुए इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए बोईसर SDOP विकास नाइक की निगरानी में पालघर लोकल क्राइम ब्रांच बोईसर तारापुर वान गांव पुलिस व गांव वाले की मदद से पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन किया गया। गांव के तालाब में छुपकर बैठे साइको किलर को गिरफ्तार किया गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उस आरोपी को तालाब के अंदर से खींच निकाला। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। मरने वालों का नाम भीमराव पाटिल और मुकुंद पाटिल बताया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले भीमराव पर कुल्हाड़ी से हमला किया। जब भीमराव को ढूंढता हुआ उसका छोटा भाई मुकुंद वहां पहुंचा तो आरोपी ने कुल्हाड़ी से उसके ऊपर भी एक के बाद एक कई वार किए। जानकारी के मुताबिक पालघर जिले के कुंदन गांव में पिछले 2-4 दिन में एक अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। वहीं स्थानीय गांव वाले और पुलिस की मदद से आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल द्वारा चलाए जा रहे जन संवाद अभियान को श्रेय दिया जा रहा है। इस हत्याकांड से आसपास के गांव में फैले अफवाह डर के माहौल पर विराम लगाते हुए पुलिस ने जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल इस संपूर्ण मामले की जांच तारापुर पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उमा भारती की पालघर से रिपोर्ट। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक।